25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस, अधिसूचना जारी। पीएम मोदी ने लिखा, संविधान की हत्या की याद दिलाएगा यह दिन। कांग्रेस बोली, 10 साल से अघोषित इमरजेंसी। स्मृति ईरानी पर राहुल गांधी के ट्वीट पर सियासी उबाल, बीजेपी ने बताया कपटपूर्ण। राहुल ने लिखा था, हार जीत जीवन का हिस्सा, अपमानजनक शब्दों का न करें इस्तेमाल। शराब घोटाले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, बड़ी बेंच में सुनवाई तक अंतरिम जमानत, लेकिन सीबीआई केस में 25 जुलाई तक बढ़ी हिरासत। नेपाल में गिरी प्रचंड सरकार, संसद में विश्वास मत हारने के बाद पीएम कमल दहल ने दिया इस्तीफा, केपी शर्मा ओली बन सकते हैं नए प्रधानमंत्री। और मुंबई में आज अनंत अंबानी और राधिका लेंगे सात फेरे, जमकर झूमे दिग्गज बाराती, देसी विदेशी मेहमानों का है जमावड़ा।